दमन जिला पंचायत के कृषि विभाग ने मनाया किसान दिवस। कृषक प्रशिक्षण एवं पौधा वितरण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। दमन जिला पंचायत के कृषि विभाग द्वारा किसान दिवस के उपलक्ष्य में कृषक प्रशिक्षण एवं पौधा वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मोटी दमन के बागवानी केंद्र में आयोजित इस कार्यक्रम में दमन के 400 जितने किसान शरीक हुए। इन सभी किसानों को विशेषज्ञों द्वारा कृषि संबंधित प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही किसानों को 10 आम के पौधे, 10 केले के पौधे एवं कीटनाशक का वितरण भी किया गया। इस दिवस के अलावा भी जो किसान पौधे या कीटनाशक लेना चाहता हो वो बागवानी केंद्र का संपर्क कर सकता है। इस कार्यक्रम में जिला पंचायत के अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं किसानों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम में जिला पंचायत के अध्यक्ष सुखाभाई पटेल, उपाध्यक्ष हेमलता बेन पटेल, सीओ देवेंद्र दलाई, जिला पंचायत सदस्य नरेश भाई, सविता बेन, सतीश भंडारी, नवीन पटेल समेत के अन्यों की उपस्थिति रही। कृषि विभाग में चालतू विविध योजनाओं लाभ वधारे में वधारे दमणवासियों ने मळे अने तेमां ज्यां पण अमारा सहयोग की जरूर होय त्यां मदद करवा माटे हूँ अने मारी टीम तैयार छे। उसका इम्प्लीमेंटेशन का स्टेटस रिव्यू करते हैं और सारा डिपार्टमेंट को बूस्ट देने के लिए सबको एनकरेजमेंट करते हैं, सभी का उत्साह बढ़ाते हैं कि सारे स्कीम्स हमारे यहाँ पे अच्छे से इम्प्लीमेंट हो और पूरा दमन में जो है खुशहाली हो। ट्रेक्टर सब्सिडी में खेडूतों ने आपीए छीए, 25 रुपया में आपीए छीए, 5 लीटर नो 1200 ने तमाम ब्रास तो आवे छे। एक मिनट, आपणे खेडूतों ने હવે આપણે ધીરુભાઈ નારાયણભાઈ પટેલ દલવા, આજે કૃષિ દિવસ છે, કૃષિ દિવસના નિમિત્તે એગ્રીકલ્ચર ફાર્મમાંથી બધાને ખેડૂતોને 10 કલમ, 10 કેળાના ઝાડ અને ઓર્ગેનિક જે દવા છે એ બી આપી છે, એટલે આ વારંવાર આપે છે। આજે કૃષિ દિવસ છે એટલે અહીંયા બોલાવીને આપી છે, જેને બી જરૂર હશે કોઈ પણ ટાઈમે અહીંયા આવીને લઈ જઈ શકે છે। દમણના તમામ ખેડૂતોને આપવામાં આવશે। સર, ઘણીવાર એગ્રીકલ્ચરની જે સ્કીમ્સ છે તે ગામડાઓના અમુક લોકોને ખબર નથી પડતી, તો શું તે લોકોના? એના માટે અમે પૂરેપૂરી કોશિશ કરશું, તમામ ખેડૂતોને અહીંયાથી અમે જે કંઈ સુવિધા ઉપલબ્ધ હશે એ અમે પહોંચાડવાની કોશિશ કરીશું। किसान दिवस के अवसर पर हम लोगों ने एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है। जो स्कीम्स हमारा जिला पंचायत से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से इम्प्लीमेंट होता है उसका जानकारी सबको हो, इसका एक उद्देश्य वो भी है। इसमें हम लोगों ने काफ़ी एग्रीकल्चर इनपुट्स, इम्प्लीमेंट्स ये सारा डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, जो 50% सब्सिडी में हम किसानों को देते हैं। जहाँ तक आपकी सवाल है कि लोगों को कैसे पता चलता है, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे टोटल जो है हमारा फार्मर्स है वो खाली 8,500 है, बहुत बड़ा नंबर नहीं है। सभी के साथ हमारा जैसे व्यक्तिगत हमारा रिलेशनशिप है, तो कोई स्कीम है डोर टू डोर बताया जाता है, विभिन्न प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है डिस्ट्रिक्ट पंचायत से और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, और उनको सारा स्कीम के बारे में जानकारी दिया जाता है। तो आज के ये प्रोग्राम के दौरान करीब 350-400 फार्मर्स यहाँ पे आए हुए हैं, जिनके थ्रू से ये स्कीम्स का फायदा उनको डायरेक्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस इसके साथ साथ उन्होंने जाके बाकी फार्मर्स को भी बोलेंगे। ये स्कीम्स आज खत्म हो जाएगा ऐसे जरूरी नहीं है, आज तो एक आयोजन किया गया प्रोग्राम, लेकिन आगे भी ये स्कीम्स चालू रहेगा, जो भी आएंगे ऑफिस में आके इसका लाभ उठा पाएंगे। नहीं, ये एक टोकन प्रोग्राम में सबको नहीं दे पाएंगे, 50-100 फार्मर्स को यहाँ पे देंगे, लेकिन जिसको ये स्कीम्स का फायदा चाहिए, जो ये इसके लिए एलिजिबल है जो फार्मर्स, सबको इसका फायदा मिलेगा।